हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर जो आपका है क्लास नाइन्थ का मोशन। इसके हम लोग इम्पॉर्टेंट टर्म्स को आज हम लोग जानेंगे। एकदम छोटी वीडियो है जिसमें हम लोग जो चैप्टर है मोशन उसके एकदम इम्पॉर्टेंट जो बेसिक टर्म्स हैं जो भी इसके अंदर आए हुए हैं चैप्टर के अंदर उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा और इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर आप मुझे कह सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, या टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। पहला है इसमें जो चैप्टर का नाम ही है मोशन। मोशन मतलब गति। क्या होता है? मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मूवमेंट है, किसकी मूवमेंट? तो किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की जो मूवमेंट होती है फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर, यानी कि एक पोजिशन से दूसरे पोजिशन तक किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट, सॉरी मोशन है मूवमेंट। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ठीक है, कोई ऑब्जर्वर है जो देख रहा है और उस ऑब्जर्वर के हिसाब से कोई ऑब्जेक्ट है जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसी मूवमेंट को हम कहते हैं मोशन। ठीक है, यानी कि इस ऑब्जर्वर के हिसाब से समय के बीतने के साथ साथ अगर इसके पोजीशन में कोई बदलाव, कोई चेंज आता है तो हम कहेंगे कि ये जो मोशन, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मोशन में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोशन। उसके बाद अगला है मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन। क्या होता है मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन? मोशन अलोंग द स्ट्रेट लाइन का मतलब हो गया कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका है, ठीक है, यहाँ क्या लिख रहा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। मान लो एक सीधी लाइन आपकी ऐसे, ठीक है, अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है बट वो इसी लाइन के अलोंग मूव कर रहा है, यहाँ तक वो आ गया। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहेंगे मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, और इसी मोशन को हम लोग कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसे कि कोई हाईवे पर अगर कार जा रही है तो उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन यानी कि मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कहते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद आपका अगला है वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि वो क्वांटिटी जिसके अंदर दोनों चीज़ मिलती हो। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड भी आपको पता चलता हो उससे और उसका डायरेक्शन भी उसको मालूम हो। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी या ऐसी क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है फोर्स। ठीक है, तो फोर्स क्या है? जैसे कहा जाएगा 4 किलो न्यूटन का या 5 न्यूटन का। ठीक है, और कहा जाएगा इस दिशा में लग रहा है या फिर इस दिशा में लग रहा है। तो फोर्स कभी भी आएगा तो वो मैग्नीट्यूड के साथ भी आएगा और डायरेक्शन भी बताएगा। तो इसलिए हम लोग फोर्स को क्या बोलेंगे? एक वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है ना, उसी तरीके से आपका फिर आता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है कि विच एक क्वांटिटी विथ विच डायरेक्शन इज़ नॉट एसोसिएटेड। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको सिर्फ क्या दिया हो, मैग्नीट्यूड दिया हो। ठीक है ना, इसमें डायरेक्शन नहीं पता होता, इसमें डायरेक्शन नहीं बताया जाता है। ठीक है, किसमें? स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया गया मास, जैसे टेम्परेचर, जैसे टाइम, ठीक है ना, डिस्टेंस, ये सब क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी हो गया। उसके बाद आते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कहता है लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे एन लिख दिया है, ये सॉरी ठीक है बाय ए मूविंग, सॉरी यहाँ पे एक मिनट, सेंटेंस थोड़ा सा, यहाँ पे क्या लिख रहा है, लेंथ ऑफ ए पाथ, लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर एन नहीं होगा, ए मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो कहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट
मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब मूव कर रहा है तो मान लो मूव करते हुए यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, इधर गया, इधर गया, है ना। तो ये जितना पाथ इसका, ये रास्ता हुआ, 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 है ना। तो इन सभी पाथ की जो लंबाई होगी ना, इसी लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस, ठीक है ना। बस समझ में आ गई, चलिए तो इसकी डिफिनेशन हो गई, याद कर लीजिएगा। लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द गिवन टाइम इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन का कोई ख्याल नहीं करना आपको। जैसे यहाँ से इधर आया तो अब यहाँ से इधर भी मुड़ सकता है, तो ये भी डिस्टेंस में आ जाएगा, है ना। चलो इसके बाद आते हैं डिस्टेंस के बारे में कुछ और मालूमात हासिल करते हैं। दूसरा है कि ये स्केलर क्वांटिटी है और इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है, ठीक है ना। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ कि जैसे एक ऑब्जेक्ट यहाँ था, मान लो ए पॉइंट पर, और एक यहाँ पर बी पॉइंट है। अब कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ आया, यहाँ के बाद इधर गया, इधर के बाद फिर इधर आया, और फिर यहाँ से इधर आया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ। तो देखो डिस्टेंस क्या होगा, ये 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 सबको जोड़ेंगे तब डिस्टेंस आएगा। लेकिन यहाँ से सीधा ये लाइन, तो ये जो हमने सीधा लाइन खींचा ना, ये इसकी क्या है, डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, ये है, ये है, और ये है, यहाँ से यहाँ आएगा और यहाँ से यहाँ, तो ये डिस्टेंस हुआ। लेकिन यहाँ से डायरेक्ट इसकी लंबाई जो नापेंगे तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया। चलो अब जैसे एक यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं कि जैसे एक सर्कल है, ठीक है ना, यहाँ से मान लो चलना शुरू किया, अब ये चलते चलते क्या हुआ, यहाँ से घूमते 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 यहाँ आ गया। तो इसकी इनिशियल पोजीशन, मतलब यहीं से तो वो शुरू किया था, और फिर ये चलता हुआ क्या हुआ, यहाँ पर आके रुक गया। तो जहाँ से चलना शुरू किया था आखिर में ये वहीं पर आ गया, इसलिए इसे हम लोग ये क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया ज़ीरो। क्या हो गया, ज़ीरो, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, चलिए अब चलते हैं इसके बाद आते हैं ये क्या है। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद आपका आता है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस, यानी कि बराबर दूरी तय करता हो। कब, द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बराबर इंटरवल ऑफ टाइम में बराबर डिस्टेंस ट्रैवल करे तो उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है। इट इज़ सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लो 10 मिनट में कोई इंसान ट्रैवल करता है सपोज़ 2 किलोमीटर, फिर अगले 10 मिनट में वो 2 ही किलोमीटर तय करता है, फिर अगले 10 मिनट में वो 2 ही किलोमीटर तय करता है, तो इस तरह के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, तो इसमें अनइक्वल डिस्टेंस, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब मान लो के 2 मिनट वो चला और वो 6 किलोमीटर दौड़ चला गया, फिर 2 मिनट ट्रैवल किया तो वो 12 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया, यानी कि 2 मिनट में यहाँ 6 किलोमीटर दूरी तय किया और यहाँ 12 किलोमीटर। तो इस तरह को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं स्पीड। स्पीड क्या है, तो द डिस्टेंस ट्रैवल बाई एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज रेफर टू एज ए स्पीड, यानी कि कितनी दूरी तय कर रहे हो। तो भाई कुछ भी दूरी तय किया, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, लेकिन कब, तो एक यूनिट टाइम में, मतलब क्या कि 1 मिनट में, या फिर 1 घंटे में, या फिर 1 सेकेंड में, तो एक यूनिट टाइम में कितनी दूरी तय किया जा रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं स्पीड, ठीक है ना। अब आगे आते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, चाल, ठीक है ना। अभी सबके लास्ट में मैं हिंदी बता दूंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद कहता है एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका होता है मीटर पर सेकेंड, यानी कि एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, और ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है।
चलिए अब आते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है? तो फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन द एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय द टोटल टाइम टेकन। मतलब ये हुआ कि जैसे कोई गाड़ी थी, ठीक है ना, या कोई आदमी था जो यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एवरेज डिस्टेंस का भी हम बता रहे हैं आपको। मान लो कि वो यहाँ से चलना शुरू किया ए पोजीशन से, ठीक है ना, और वो आया मान लो बी पोजीशन तक, ठीक है। लेकिन मान लो इसमें बहुत सारे उसके एक पॉइंट थे बीच बीच में, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ आया वो समझो कि 6 किलोमीटर, फिर इसको टाइम लगा मान लो सपोज़ दैट 1 घंटा लगा, फिर 6 घंटे यहाँ पे आया मान लो 7 किलोमीटर और इसको टाइम लग गया मान लो 2 घंटे, ठीक है ना। इसी तरीके से अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ ट्रैवल कर लिया इसने, तो सबका अलग अलग टाइम भी है और सबका अलग अलग डिस्टेंस भी है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, तो आपको करना क्या है कि जो भी दूरी थी इसकी, ठीक है ना, सॉरी, जो भी दूरी थी इसकी मान लो यहाँ से यहाँ जो थी, यहाँ से यहाँ, सब दूरी को एक साथ रखेंगे। मतलब क्या, जैसे 6, 7, 4 इस तरीके से हर एक दूरी को रख के और नीचे देखेंगे 6 किलोमीटर को कितने देर में तय किया वो, ठीक है, तो मान लो 1 घंटे में, अगला जो 7 किलोमीटर था 2 घंटे में, इस तरीके से टोटल टाइम को जोड़ देंगे और टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम करके हम एवरेज स्पीड निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ ए, एक मिनट, स्पीड ऑफ ए ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नेम्ड एज, इज नेम्ड एज वेलोसिटी। मतलब ये समझो स्पीड ही है, क्या ये स्पीड ही है, लेकिन बच्चों क्या ये एक ख़ास सिमत में बताता है। जैसे एक मान लो एक आदमी यहाँ से यहाँ आया, लेकिन यहाँ के आने के बाद वो चेंज कर लिया डायरेक्शन, तो यहाँ से यहाँ जो वो स्पीड से आएगा एक ख़ास डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसे हम वेलोसिटी कहेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो गया इसका, इसका मतलब कि इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जो थी वो अब इधर आने के बाद चेंज हो गई, ठीक है ना। चलिए तो ये वेलोसिटी हो गया, मतलब कि ऐसी स्पीड जिसके साथ डायरेक्शन भी बताया जा रहा हो। अब इसके बाद है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, यहाँ पे देखो ये फार्मूला ही दे दिया मोशन का, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं इसको, यहाँ पे फार्मूला दे दिया v² / u², तो आप यहाँ पे ये मत लिखिएगा अभी, अभी लिखिएगा इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, रिप्रेजेंटेड बाय v, स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद v आप कैसे निकालोगे, तो ये फार्मूला आपको दे दिया है यहाँ पर, इसको नोट कर लेना। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, तो वही है अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी और फाइनल वेलोसिटी उसका दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या निकलेगा, हमें निकलेगा क्या, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं एक्सेलरेशन। अब आपका टॉपिक लगभग ख़त्म होने वाला है। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी बदलने की जो दर होती है उसे हम बोलो एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। अब इसका फॉर्मूला हो गया ये इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब इसका क्या है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकंड। वेक्टर क्वांटिटी है ये, और एक्सेलरेशन हमेशा क्या होता है, अगर हम पॉजिटिव लेते हैं तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी के अंदर है, यानी कि जिधर जा रहा था मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इसी डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर जिधर जा रहा था अगर उसके अगेंस्ट अगर है एक्सेलरेशन तो वो निगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर है निगेटिव एक्सेलरेशन को जो हम लोग क्या नाम बोलते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए उसके बाद आगे पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ थ्रू विथ यूनिफॉर्म स्पीड इज ऑलवेज सेड टू बी एक्सेलरेटेड एज इट चेंज्ड इट्स डायरेक्शन एवरी मोमेंट। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, क्या है कि अगर एक मान लो कोई आदमी है जो सर्कुलर पाथ पे जा रहा है, ठीक है, तो सर्कुलर पाथ पे क्या है, हर सेकेंड वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, यानी कि हर पल क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है ना। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हर सेकंड वो एक्सेलरेशन में है,
मतलब ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल हुआ, ठीक है। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कब होता है, जब वेलोसिटी चेंज कर रही हो बराबर मात्रा में बराबर टाइम इंटरवल पर, तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म बोलते हैं। और अगर वेलोसिटी बदल रही है अनइक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो वहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इसकी मैं दूसरी वीडियो आपको या उस टॉपिक को मैं फिर समझा दूंगा, ठीक है। इसकी क्लास भी है, पूरी डिटेल क्लास है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। और आपको इस तरह का नोट अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताइएगा, और भी वीडियो इस तरह की मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।